चलाया जा रहा है जो किसान विरोधी है, जिसका किसान 15 दिन से विरोध कर रहे हैं। ये बिल वापस लेना होगा, लेना होगा। ये देख सकते हैं आप, बिल जलाया आम आदमी पार्टी ने। किसान बिल जिस तरह बनाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है, और किसानों के हित में अगर नहीं हो तो किसान का अहित होते आम आदमी पार्टी नहीं देख सकता, और किसान के तकलीफों के साथ पीएम के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि केंद्र सरकार से जो किसानों के हित के लिए किसानों के हित निर्णय को देखते हुए अपने किसान जो काला बिल लाए उनको वापस लें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ 5 विधायक है राजनांदगांव में, जो बंद दिख रहा है वो 50% दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि सरकार होते हुए आप लोग बंद कराने में असफल रहे? नहीं नहीं, सफल हो रहा है, कई जगह मतलब शुरुआत से ही मतलब बंद किए थे, कई जगह अभी चालू कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार है सफल हो रही है। लाए गए संसद में उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और इसमें आशंका पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस ने दिसंबर में धान चालू खरीदी चालू की जी, इसका क्या दुष्परिणाम है? उसका दुष्परिणाम ये है कि नवंबर में जिनका धान तैयार हो गया वो लोग औने पौने 1200, 1300, 1500, 1600 में अपना धान बेचे, जो गरीब मजदूर है जिसको पैसे की जरूरत है वो कम पैसे में बेच दिया, जो लोग मजबूत हैं वो लोग अब 1818 में 1868 में अब बेच रहे हैं। नमस्कार, हम राजनांदगांव में, राजनांदगांव का भीड़ भरी क्षेत्र जयस्तंभ चौक, जहां पर किसानों के द्वारा, मुक्ति मोर्चा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान कर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा जिला का जो है कुछ महिलाएं कुछ पुरुष दोनों बहुत कम मात्रा में हैं, और जो किसान बिल है उस किसान बिल के संबंध में हम किसान भाई से जानना चाहेंगे कि क्या और किस मामले में यहां पर बैठे हुए हैं और कैसे आए हैं, आप बताएं कि यहां कैसे आए हो और क्या किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? आज किसानों के जो केंद्र सरकार द्वारा आज पूरा देश में जो है किसान बिल जो लाया गया है उसके विरोध में पूरा आज पंजाब के किसान के साथ में पूरा कंधा से कंधा मिलाकर पूरा छत्तीसगढ़ के किसान आज पूरा उसके समर्थन में पूरा दिन और रात जिला किसान संघ के जिला कार्यालय के सामने में पूरा धरना 24 घंटा जारी है लगातार, और इस सरकार को आज सरकार को बेदखल करके ही दम लेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश के किसान मजदूर संकल्प ले लिया है, और ऐसी सरकार एक किसान विरोधी है, जनता विरोधी मोदी सरकार है, एक कोई भी भला करने वाली सरकार नहीं है, इस सरकार को उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे। मौजूद किसान भाई बता रहे हैं कि जो किसान बिल आया है, जो किसान बिल लाया गया है वो पूरी तरह किसान विरोधी है। उपस्थित भीड़ में पूरी तरह मजदूर लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं, किसान संघ का जिला अध्यक्ष सुदेव टीकम का भाषण चल रहा है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, और पूरी तरह राजनांदगांव के जनता से किसान बंद के आह्वान को सफलता मिली है, किसान बंद के आह्वान पर दुकानें बंद है और लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। जय हिंद। हमारे साथ खुज्जी के विधायक श्रीमती छन्नी साहू हैं। ये जो आज आप लोग ने भारत बंद किया उसका समर्थन किया है, उसका असर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी जो केंद्र में बैठे सरकार जो किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाए हैं, किसान काला बिल लाए हैं, उनके विरोध में
आज पूरा भारत बंद है और निश्चित रूप से ये बंद का पूरा असर पूरा व्यापारियों के माध्यम से मिली है। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी, जो जिला किसान संघ 3 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और आज पूरा भारत बंद में पूरा किसान भी आए, उनके समर्थन मिली, मैं आ जाई हूँ और मीडियम के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि केंद्र सरकार से जो किसानों के हित के लिए किसानों के हित निर्णय को देखते हुए अपने किसान जो काला बिल लाए उनको वापस लें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ 5 विधायक है राजनांदगांव में, जो बंद दिख रहा है वो 50% दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि सरकार होते हुए आप लोग बंद कराने में असफल रहे? नहीं नहीं, सफल हो रहा है, कई जगह मतलब शुरुआत से ही मतलब बंद किए थे, कई जगह अभी चालू कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार है सफल हो रही है। एक सवाल और है आपसे कि जो किसान आंदोलन चालू हुआ उसमें खालिस्तान पाकिस्तान देशद्रोह का आरोप लगा, तो क्या ये भाजपा का षड्यंत्र है इस आंदोलन को देशद्रोही बनाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करनी और कतनी में बहुत फर्क है। उन लोग गलत को सच्चाई बोल लेते हैं और आज जो किसान पूरा पंजाब के किसान दिल्ली में घेर कर बैठे हैं उनको आज जो गलत तरीका से आरोप लगा रहे हैं, मैं तो घोर निंदा करती हूं ऐसे सरकार के जो किसानों को अपराध बोले जा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गजेंद्र झा। मैं सीटू यूनियन का राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। अध्यक्ष जी बताएं, भारत बंद को लेकर जो आप तो सहयोग दिए, किसान लाते हैं जो काम करते हैं मंडी में, किसान नहीं लाएंगे क्या चीज को काम करेंगे, बस इतनी बात। आप बताओ, हमारे देश की जनता को भुगतना होगा। पूरे देश के किसान आज जो 3 किसान कानून लाए गए हैं संसद में उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और उसमें आशंका ये है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में ये लाए हैं, जबकि किसान पूरे देश भर का किसान कह रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है। आपने कहीं पर भी अपना अनाज बेचो तो कहीं पर अनाज बेचेंगे तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हमको अगर नहीं मिलेगा तो राजनांदगांव के मंडी के अंदर 1868 रुपया जो समर्थन मूल्य है उससे 518 रुपया कम में धान बिका। ये वहाँ की अध्यक्ष है, ये लोग काम करते हैं, पूछ लीजिए। महामाया धान जिसका पोहा बनता है वो 1600 रुपये में बिका, तो 268 रुपये का घाटा 1 क्विंटल पे किसान को हुआ। तो ये जो किसानों को ठगने वाली बात है, कह रहे हैं कि किसानों के हित में लाए, लेकिन इन्होंने व्यापारी के हित में ये कानून लाया है, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग भारत की सरकार ने गठित किया था, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2007 में संसद में पेश कर दी गई, लेकिन आज तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि किसानों का जो खेती का काम है ये घाटे का सौदा है, इसलिए 1 क्विंटल अनाज उत्पादन करने में जितना पैसा खर्च होता है उसको ध्यान में रखकर उसका 1.5 पैसा अगर किसान को दिया जाए तब उसको कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार वो नहीं दे रही है। अभी हम किसान भी हैं, हमारे पास 10 एकड़ जमीन भी है, तो हम जानते हैं 1 क्विंटल धान पैदा करने में करीब 2000-2100 रुपया लगता है। आप चाहते हैं कि बिल वापस ले? ये बिल वापस होना चाहिए। अगर बिल वापस नहीं लिया ये आंदोलन तेज चलेगा। इस सरकार को नाक रगड़ कर जैसे जमीन वापस किसानों से वापस लेने वाला विधेयक 3 बार फेल हुआ संसद में, वैसे ही इस तीनों कानून को वापस न लेना पड़े तो आपके सामने कभी बात नहीं करूंगा। ये इस पार या उस पार की लड़ाई है पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस ने दिसंबर में धान खरीदी चालू की जी, इसका क्या दुष्परिणाम है? उसका दुष्परिणाम ये है कि नवंबर में जिनका धान तैयार हो गया वो लोग औने पौने 1200-1300-1500-1600 में अपना धान बेचे, जो गरीब मजदूर है जिसको पैसे की जरूरत है वो कम पैसे में बेच दिया, जो लोग मजबूत हैं वो लोग अब 1868 में अब बेच रहे हैं। आपको धान खरीदी की तारीख क्या होनी चाहिए? धान खरीदी की तारीख 16 नवंबर होना चाहिए कम से कम, 16 नवंबर से बाद वाली तारीख किसानों को लूटने वाली बात है। मेरा नाम गजेंद्र झा, मैं सीटू यूनियन का राज्य सचिव मंडल का सदस्य और यहाँ इनके यूनियन का सलाहकार एडवाइजर हूँ। ये मंडी की अध्यक्ष है श्याम भाई, नाम बताओ जोर से बोल। श्याम भाई वर्मा।
हमारे आंगनबाड़ी नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए ख़रीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता अधिकारी व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए, क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे अमेज़न और ई बिजनेस रेफरेंस लिंक से अमेज़न प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300007662। हमारे व्हाट्सएप 9200003100 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष।